हेलो टू एवरीवन। तो आज हम लोग बात करते हैं ओमनीबस अप्रूवल की, ओमनीबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इसमें लिखा है, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस शेल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। तो आपको पता है कि भाई कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 177 ऑडिट कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, और जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सभी के लिए हमें अप्रूवल चाहिए ऑडिट कमेटी का। ना यहां पे लिखा है ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी 188 वाली ट्रांजेक्शन है तो उसका अप्रूवल तो हमें चाहिए चाहिए। अगर 188 के अलावा कोई और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो उसका भी अप्रूवल हमें ऑडिट कमेटी से चाहिए। एंड ऑडिट कमेटी में मेक ओमनीबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रपोज टू बी एंटर्ड इन टू बाई द कंपनी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। अब मान लो भाई एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी को अपनी सब्सिडियरी के साथ कुछ ट्रांजेक्शन करनी है। जैसे मान लो एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी के पास ऑफिस स्पेस है। अब वो अपनी सब्सिडियरी कंपनी को ऑफिस स्पेस रेंट पर देना चाहता है, और जो रेंट है वो हर महीने आएगा, ठीक है, मंथली रेंट पर वो रेंट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को। तो ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। अब क्या हर मंथ जब भी मैं उससे रेंट लूंगा तो क्या मुझे ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा? तो अगर मैंने ओमनीबस अप्रूवल नहीं ले रखा तो उस सिचुएशन में तो मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना अप्रूवल के मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन शेल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि होल्डिंग कंपनी का ऑफिस स्पेस है, वो अपनी सब्सिडी कंपनी को रेंट पर देना चाहता है, ये रिपीटेटिव नेचर की ट्रांजेक्शन है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन के लिए एक ओमनीबस अप्रूवल दिया जा सकता है ऑडिट कमेटी के द्वारा। ऑडिट कमेटी होल्डिंग कंपनी को अप्रूव कर देगी कि हाँ ठीक है, आप इस मंथली रेंट पर अपनी जो प्रॉपर्टी है, ऑफिस स्पेस है, वो आप रेंट कर सकते हैं सब्सिडियरी कंपनी को, और ये जो ओमनीबस अप्रूवल है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, ओमनीबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रपोज टू बी एंटर्ड इन टू बाई द कंपनी। मैंने एग्जाम्पल लिया था होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी को ऑफिस स्पेस रेंट पर दे रहा है, सो दिस इज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो इसके रिगार्डिंग ओमनीबस अप्रूवल दिया जा सकता है। ओमनीबस अप्रूवल क्यों दिया जाता है? जो रिपीटेड नेचर की ट्रांजेक्शन है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन है, उसके लिए मैं ऑडिट कमेटी से अप्रूवल ले लेता हूं पूरे साल भर की। तो इस तरह की अप्रूवल को हम कहते हैं ओमनीबस अप्रूवल। तो ऑडिट कमेटी इस तरह की अप्रूवल कुछ कंडीशंस के सेटिस्फाइड होने पर ही देगा। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन, द ऑडिट कमिटी शेल आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ओमनीबस अप्रूवल विच शेल इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली। तो यहां पे लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि ऑडिट कमेटी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ऑडिट कमेटी पहले प्रायर अप्रूवल लेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और उसी के बाद वो ओमनीबस अप्रूवल दे सकता है। और ओमनीबस अप्रूवल वो कैसे देगा? एक क्राइटेरिया बनाएगा, ऑडिट कमेटी को एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, उस क्राइटेरिया के बेसिस पर ही वो ओमनीबस अप्रूवल दे सकता है। तो मेरा क्वेश्चन, क्या ऑडिट कमेटी को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? यस, क्योंकि यहां पे लिखा है आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट इसमें एक एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने प्रोवाइड की थी, कि क्लेरिफिकेशन दी थी, यहां पे लिखा है आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब मान लो कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग मैंने मॉर्निंग में रखी है, इवनिंग में मैंने रख रखी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। अब ऑडिट कमेटी की मीटिंग में मैं ओमनीबस अप्रूवल लेना चाहता हूं, तो क्या पहले मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा? यहां पे लिखा है आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन यहां पे लॉ मेकर की इंटेंशन ये नहीं है कि पहले आप बीओडी का अप्रूवल लो। लॉ मेकर की यहां पे इंटेंशन है कि ऑडिट कमेटी ने जो ओमनीबस अप्रूवल दिया है वो इंटीमेट हो जाना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कहने का मतलब है, अगर ऑडिट कमेटी से मैंने पहले अप्रूवल ले लिया, उसके बाद में बोर्ड में अगर इस मैटर को रखता हूं तो ये भी वैलिड प्रोसेस माना जाएगा। तो बेशक से यहां पे लिखा है आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं बाद में भी इंटीमेशन दे सकता हूं बीओडी को। हाँ ठीक है, बीओडी उसके बाद उसको अप्रूव भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। सो द ऑडिट कमिटी शेल आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ओमनीबस अप्रूवल विच शेल इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली। अब क्राइटेरिया क्या रहेगा ओमनीबस अप्रूवल देने का? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन इन एग्रीगेट विच कैन बी अलाउड अंडर ओमनीबस रूट इन अ ईयर। मैंने आपको कहा था ना कि ओमनीबस अप्रूवल 1 साल के लिए वैलिड रहता है,
साल का क्या मतलब है यहाँ पे, वन फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि एक साल का, वन फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर मैं मिड ऑफ द ईयर में ले रहा हूं तो 31 मार्च ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के लिए वो अप्रूवल खत्म हो जाएगी। अगर मैं मिड ऑफ द ईयर में ले रहा हूं तो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो यहां पे फाइनेंशियल ईयर इन लोगों ने लिखा हुआ है, जबकि सेबी एलओडीआर में वो लिखते हैं इन अ ईयर। खैर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन इन एग्रीगेट विच कैन बी अलाउड अंडर ओमनीबस रूट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, आप कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ओमनीबस रूट के अंदर। मान लीजिए 200 करोड़ तक की ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं ओमनीबस रूट के अंदर। तो ये इन एग्रीगेट हम बता देंगे क्राइटेरिया में, द मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजेक्शन विच कैन बी अलाउड। एक सिंगल ट्रांजेक्शन आप कितने अमाउंट तक की कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने अप्रूवल ले लिया ऑडिट कमिटी से और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप 10 करोड़ तक की इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन कर सकते हो ओमनीबस रूट के अंदर। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, कलेक्टिव एग्रीगेट ट्रांजेक्शन कितनी कर सकता हूं मैं, 200 करोड़ की, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में कितनी कर सकता हूं, 10 करोड़ रुपए की। अब यहां पे कंफ्यूजन आता है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो ओमनीबस अप्रूवल दिया ही नहीं जा सकता। ये गलत इंटरप्रिटेशन है, इस इंटरप्रिटेशन को मैं क्लियर करूंगा अभी। तो अभी तो मैंने जनरल एग्जाम्पल लिया है, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजेक्शन 15 करोड़ की भी हो सकती है, 25 करोड़ की भी हो सकती है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन 200 करोड़ की भी हो सकती है, 500 करोड़ की भी हो सकती है, 1000 करोड़ की भी हो सकती है, ठीक है। ये क्राइटेरिया हमें लिखना पड़ेगा, ऑडिट कमिटी को ये क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा कि क्लब करके आप ट्रांजेक्शन ओमनीबस रूट के अंदर कितनी कर सकते हैं, कितने अमाउंट की कर सकते हैं, और इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन आप कितने अमाउंट की कर सकते हैं। एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर्स टू बी मेड टू द ओमनीबस अप्रूवल। अब जैसे मान लो मैं ऑडिट कमेटी की मीटिंग मैंने करवाई, अब ऑडिट कमेटी के सामने मैं प्रपोजल रखूंगा कि साहब इस इन ट्रांजेक्शन के लिए मुझे ओमनीबस अप्रूवल चाहिए। तो वो मुझसे पूछेंगे एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर टू बी मेड। क्राइटेरिया में वो मुझे बता देंगे कि आपको किन किन बातों को डिस्क्लोज करना है। से फॉर एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके साथ, कौन सी रिलेटेड पार्टी के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कितने अमाउंट तक की ट्रांजेक्शन एक्सपेक्टेड है इस साल। उसी के बेसिस पर वो मुझे क्या करेंगे, ओमनीबस अप्रूवल देंगे। रिव्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन टू बाय द कंपनी पर्सुएंट टू द ओमनीबस अप्रूवल। अब जैसे मान लो इन इन लोगों ने, ऑडिट कमेटी ने कहा कि चलो ठीक है, आप पूरे साल में आप 200 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब इस क्वार्टर में मैंने कितनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर ली, उसको रिव्यू करेगा ना ऑडिट कमेटी अगली मीटिंग में। कि मान लो जो ऑडिट कमेटी ने अप्रूव कर रखा था कि आप इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन 10 करोड़ तक की कर सकते हैं, अब वो चेक भी तो करेगा क्या ये इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन इसने एक्चुअल में 10 करोड़ की करी है या उससे ज्यादा तो नहीं कर दी, ठीक है। अगर उससे ज्यादा करती है तो उसका अप्रूवल फिर वो अगली मीटिंग में मुझको दे देगा। खैर, ट्रांजेक्शन रिव्यू आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एट सच इंटरवल एज द ऑडिट कमिटी में डीम फिट। सेबी एलओडीआर का रेगुलेशन नंबर 23 कहता है कि आपको क्वार्टरली बेसिस पर करना पड़ेगा। यहां पे इस तरह का कोई भी इंटरवल हमें स्पेसिफाई नहीं है, तो जनरल प्रैक्टिस से क्वार्टरली बेसिस पर ही रिव्यू किया जाता है। ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू ओमनीबस अप्रूवल बाय द ऑडिट कमिटी। क्राइटेरिया के अंदर वो लिख देंगे कि वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसके लिए हम ओमनीबस अप्रूवल नहीं दे सकते, ठीक है। द ऑडिट कमिटी शेल कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर वाइल स्पेसिफाइंग द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ओमनीबस अप्रूवल, नेमली रिपीटेटिव नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन इन पास्ट और इन फ्यूचर। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्सिडी कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, रेंट पर ऑफिस स्पेस दे रहे हैं। सब्सिडी कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी को जो ऑडिटर है वो सब्सिडी कंपनी की भी ऑडिट कर रहा है, ठीक है, या उसको किसी और तरह की सर्विसेज वो दे रहा है। तो ये जस्टिफिकेशन फॉर द नीड ऑफ द ओमनीबस अप्रूवल। ओमनीबस अप्रूवल की नीड क्यों है आपको ये चीज बताइए कि भाई हम ऑफिस रेंट पर दे रहे हैं, हम हर महीने आपसे थोड़ी अप्रूवल लेते रहेंगे। तो ये रिपीटेटिव नेचर का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। द ऑडिट कमिटी शेल सेटिस्फाई इटसेल्फ ऑन द नीड फॉर ओमनीबस अप्रूवल फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ रिपीटेटिव नेचर। तो जो ऑडिट कमिटी है वो भी खुद को सेटिस्फाई करेगा कि क्या है सचमुच रिपीटेटिव नेचर का ट्रांजेक्शन है। ओमनीबस अप्रूवल शेल कंटेन एंड इंडिकेट द फॉलोइंग, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टीज, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, ठीक है, रिलेटेड पार्टी का क्या नाम है। जैसे हमारी सब्सिडियरी कंपनी हो गई, उसका नाम होगा कुछ एबीसी लिमिटेड से फॉर एग्जाम्पल। नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, कितने ड्यूरेशन का ये ट्रांजेक्शन रहेगा, उसका नेचर क्या है, ठीक है, ट्रांजेक्शन किस नेचर का है, रेंटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है ना, रेंट आप कर रहे हैं या आप लोन दे रहे हैं। भाई होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को लोन भी तो दे सकती है, रेंट पर रूम भी तो दे सकती है, ठीक है। तो नेचर क्या है ट्रांजेक्शन का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कैन बी एंटर्ड इन टू, ये मैं आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम अमाउंट कितना रहेगा ट्रांजेक्शन का।
इंडिकेटिव बेस प्राइस और करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन प्राइस इफ एनी। तो जो आपने मान लो रेंट कैलकुलेट कर रखा है, वो रेंट कैसे आपने कैलकुलेट कर रखा है उसका फॉर्मूला हमें बताओ, इफ एनी अगर कोई है तो। एनी अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट कमिटी टू टेक डिसीजन ऑन प्रपोज्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये सब हमें बताना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट, अब ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहां पे, प्रोवाइडेड दैट वेर द नीड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी फोरसीन एंड एफोर्सेड डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, ऑडिट कमिटी में मेक ओमनिबस अप्रूवल फॉर सच ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू देयर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ पर ट्रांजेक्शन। तो जो एक मार्केट में जिनको आरपीटी के ऊपर, ये ओमनिबस अप्रूवल के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो क्या कहते हैं कि 1 करोड़ से ऊपर हम ओमनिबस अप्रूवल नहीं दे सकते, जबकि गलत है। 1 करोड़ से ऊपर हम तब ओमनिबस अप्रूवल नहीं दे सकते अगर ऑडिट कमेटी को लगता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की जो जरूरत है उसको नहीं देखा जा सक रहा हमसे, मतलब लग नहीं रहा हमें कि ये इसमें हमें नीड है आरपीटी की, या फिर उनको जो ये डिटेल मांगी थी हमने, ऑडिट कमेटी ने डिटेल मांगी थी, हम ठीक से नहीं दे पाए, ठीक है, हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं बता पा रहे, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं बता पा रहे, तो उस केस में ऑडिट कमेटी कम रिस्क लेगी और कहेगी चलो ठीक है यार, 1 करोड़ से कम वाली जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए हम आपको ओमनिबस अप्रूवल दे सकते हैं। ओमनिबस अप्रूवल शेल बी वैलिड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर एंड शेल रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे अभी ये फाइनेंशियल ईयर आपका एक्सपायर होगा, तो फिर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अप्रूवल हमने लिया होगा इस फाइनेंशियल ईयर में एंड हो जाएगा, अगले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओमनिबस अप्रूवल शेल नॉट बी मेड फॉर ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, अगर कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शन है तो इसके लिए हम ओमनिबस अप्रूवल नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद यहां पे अब हम बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 23 की। तो ऊपर हमने किस चीज की बात करी, ऊपर हम लोगों ने बात करी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ओमनिबस अप्रूवल की। इसमें किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि ओमनिबस अप्रूवल जो है वो ऑडिट कमेटी के द्वारा दिया जा सकता है, ऑडिट कमेटी को इसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, बेस्ट प्रैक्टिस है प्रायर अप्रूवल ले लो, अगर आपने प्रायर अप्रूवल नहीं लिया तो आप बाद में भी इंटीमेशन दे सकते हैं। जब भी ऑडिट कमेटी अप्रूवल देगी तो ऑडिट कमेटी बता देगी कि भैया मैक्सिमम वैल्यू इन एग्रीगेट सारी ट्रांजेक्शन आप कितनी वैल्यू की कर सकते हैं और इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन आप मैक्सिमम कितनी वैल्यू की कर सकते हैं। अगर इस तरह की जानकारी हम ऑडिट कमेटी को नहीं देते, ठीक है, कि रिपेटेटिव नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन या नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, इस तरह की बातें अगर हम नहीं बता रहे, ऑडिट कमेटी उस सिचुएशन में भी हमें ओमनिबस अप्रूवल दे सकता है, प्रोवाइडेड कि ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए हमें ऑडिट, ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए वो हमें अप्रूवल देगा जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से अधिक की नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग रेगुलेशन नंबर 23 में, इसमें लिखा है ऑडिट कमेटी में ग्रांट ओमनिबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रपोज्ड टू बी एंटर्ड इनटू बाय द लिस्टेड एंटिटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 23 में वो प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप कंपनीज एक्ट में देखें यहां लिखा है ऑडिट कमेटी अप्रूव कर सकता है ओमनिबस अप्रूवल आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन रेगुलेशन नंबर 23 ऑफ सेबी एलओडीआर इस तरह की कुछ ही बात नहीं करता, उसने एक्सक्लूसिव पावर दे रखी है ऑडिट कमेटी को कि आप ओमनिबस अप्रूवल दे सकते हैं। फिर से पढ़ना, ऑडिट कमेटी में ग्रांट ओमनिबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रपोज्ड टू बी एंटर्ड इनटू बाय द लिस्टेड एंटिटी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन है लेकिन यहां पे एक्सक्लूसिव पावर ऑडिट कमेटी को दे रखी है। अब देखो, जब भी एक लिबरल प्रोविजन होता है और एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन होता है, स्ट्रिक्ट प्रोविजन कौन सा हो गया यहां पे, कंपनीज एक्ट का, जो कहता है कि ऑडिट कमेटी आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेंगे इवन अगर आपकी एक लिस्टेड एंटिटी है, तो आप ये नहीं कहकर बच सकते कि रेगुलेशन नंबर 23(3) तो कहता है कि भाई ऑडिट कमेटी के पास एक्सक्लूसिव पावर है, हमें तो दोनों एक्टों को सेटिस्फाई करना है ना, लिस्टेड सेबी एलओडीआर भी सेटिस्फाइड करना और कंपनीज एक्ट भी सेटिस्फाई करना है। तो दोनों एक्ट कब सेटिस्फाइड होंगे, जब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी अप्रूवल ले लूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता अप्रूवल तो उस सिचुएशन में कंपनीज एक्ट मैंने कंप्लाई नहीं किया। अब कौन कौन सी कंडीशन हैं इसको देख लेते हैं, एलओडीआर किस कंडीशन की बात करता है, द ऑडिट कमिटी शैल ले डाउन द क्राइटेरिया, ये भी सेम बात कहता है कि आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट भी यही बात कहता है कि आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा ओमनिबस अप्रूवल देने का, क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग ओमनिबस अप्रूवल इन लाइन विद द पॉलिसी ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी
अब रेगुलेशन नंबर 23 सब रेगुलेशन नंबर 1 को आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल फॉर्मुलेट ए पॉलिसी ऑन मटेरियलिटी ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड ऑन डीलिंग विद सच ट्रांजेक्शंस। तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ खास बात नहीं है, आपको सिंपली एक क्राइटेरिया बनाना है। एंड सच अप्रूवल शैल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस विच आर रिपीटेटिव इन नेचर। रिपीटेटिव इन नेचर कंपनीज एक्ट भी बात करता है और रिपीटेटिव इन नेचर एलओडीआर भी बात करता है। एलओडीआर ने क्या बोला कि ऑडिट कमेटी अप्रूवल दे सकते हो, ओमनिबस अप्रूवल, उसके लिए क्राइटेरिया उसको बनाना पड़ेगा, रिपीटेटिव नेचर की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ रिगार्डिंग द नीड, भाई क्या जरूरत है ओमनिबस अप्रूवल देने की, वो नीड को वो सेटिस्फाई करेगा कि क्या सचमुच इसमें ओमनिबस अप्रूवल दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है? तो ओमनिबस अप्रूवल शेल स्पेसिफाई, जब भी ओमनिबस अप्रूवल लेने के लिए आप ऑडिट कमेटी के पास आएंगे तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, ये सेम कंपनीज एक्ट वाली बात कर रहा है, यहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि आपको बताना पड़ेगा नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, कंपनीज एक्ट भी यही कहता है और एलओडीआर भी वही कह रहा है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन शेल बी एंटर्ड इन टू, ये सारी बातें वही हैं जो कंपनीज एक्ट में है। द इंडिकेटिव बेस प्राइस, ये भी सेम वही बात है जो कंपनीज एक्ट में है। सच अदर कंडीशन एज द ऑडिट कमेटी में डीम फिट, प्रोवाइडेड दैट वेर द नीड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी फोरसीन एंड ऑफर से डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, ये भी सेम वही बात कह रहे हैं। ऑडिट कमेटी में ग्रांट ओमनिबस अप्रूवल फॉर सच ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू देयर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज पर ट्रांजेक्शन, सेम बात रिपीट करी है यहां पर। द ऑडिट कमेटी शेल रिव्यू एटलीस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस, ये बात मैंने आपको बताई थी कि कंपनीज एक्ट जब रिव्यू की बात करता है, यहां पर लिखा है ना कंपनीज एक्ट में लिखा है कि ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन टू पर्सुएंट टू द ओमनिबस अप्रूवल, कि ओमनिबस अप्रूवल के तहत जितनी भी हमने आरपीटीज को अप्रूव कर रखा है उसको रिव्यू किया जाएगा ऑडिट कमेटी के द्वारा एट सच इंटरवल्स एज द ऑडिट कमेटी में डीम फिट। तो इंटरवल आपका 15 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, लेकिन एलओडीआर ने साफ तौर पर क्या कह दिया, एलओडीआर ने साफ तौर पर कह दिया कि कहां पर लिखा है, यस ऑडिट कमिटी शेल रिव्यू एटलीस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस में कम से कम एक बार क्वार्टरली बेसिस में तो कर ही देना आप रिव्यू, ठीक है, डिटेल्स ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंटर्ड अंडर द ओमनिबस अप्रूवल गिवन, सच ओमनिबस अप्रूवल शेल बी वैलिड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यहां पे ईयर लिखा है जबकि कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर। तो आपको सिंपली क्या किन बातों को ध्यान में रखना है, आपको सिंपली ओमनिबस अप्रूवल की बात याद रखनी है कि ओमनिबस अप्रूवल कंपनीज एक्ट में भी दिया जाता है, रूल नंबर 6A ऑफ द कंपनी मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग, और ओमनिबस अप्रूवल से भी एलओडीआर के रेगुलेशन नंबर 23(3) के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि ओमनिबस अप्रूवल 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहेगा, जबकि आपका सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कहता है कि ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 साल का मतलब हो गया कि अगर मान लो मैंने आज ओमनिबस अप्रूवल लिया है तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का ओमनिबस अप्रूवल 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, तो 1 साल की काउंटिंग में आज से करूंगा। ऑन दी अदर हैंड यहां पे कंपनी एक्ट कहता है कि 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहेगा, तो फाइनेंशियल ईयर तो आपका स्टार्ट हो चुका है ना, अगर मैं आज अप्रूवल लेता हूं, ठीक है, दिसंबर के महीने में ले रहा हूं, जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च में ये अप्रूवल मेरा खत्म हो जाएगा, फिर मुझे 1 अप्रैल से फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखा कि कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि ऑडिट कमेटी अप्रूवल दे सकता है प्रोवाइडेड कि बीओडी का उसने प्रायर अप्रूवल ले लिया हो, जबकि एलओडीआर एक्सक्लूसिव पावर दे देता है ऑडिट कमेटी को कि आपको बिल्कुल भी बीओडी से पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रायर अप्रूवल का रिस्ट्रिक्ट मतलब नहीं है कि आपको प्रायर अप्रूवल ही लेना है, आप बाद में भी इंटीमेशन दे सकते हैं बीओडी को, ठीक है। ऑडिट कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि जनरली हमें क्या लगता है कि 1 करोड़ तक का ही हम लोग ओमनिबस अप्रूवल दे सकते हैं, जबकि ये बात गलत है। 1 करोड़ तक का हम तब ओमनिबस अप्रूवल दे सकते हैं अगर ऑडिट कमेटी को लगता है कि नीड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी फोरसीन एंड एफोर्सेड डिटेल्स नॉट अवेलेबल, ये डिटेल है ही नहीं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन टू, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, इनमें से कोई भी एक डिटेल नहीं है या इनसे ज्यादा डिटेल नहीं है, तो उस सिचुएशन में ओमनिबस अप्रूवल दिया जा सकता है प्रोवाइडेड कि ट्रांजेक्शन की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से अधिक की ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आपको बता दिया। अच्छा मैक्सिमम कितना ओमनिबस अप्रूवल दिया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, 1000 करोड़ तक एग्रीगेट 1000 करोड़ तक की भी ट्रांजेक्शन अलाउ की जा सकती है ओमनिबस अप्रूवल में, और इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की भी कोई लिमिट नहीं है, वो ओवरऑल लिमिट के अंदर ही रहेगा बेसिकली। तो
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इन एग्रीगेट, एग्रीगेट में भी हम लिमिट बता देंगे। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, से फॉर एग्जाम्पल 200 करोड़ की लिमिट हमने बता दी है, और मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजेक्शन से फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ की लिमिट हमने बता दी है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया रिव्यू करने के लिए क्वार्टरली बेसिस पे ऑडिट कमेटी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। थैंक यू सो मच।